हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड के कुल 8 जिलों से कुल 9 वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न विभिन्न विभागों से निकलकर आई हुई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, टोटल झारखंड से ही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह का आपके पास लेटेस्ट जानकारी आपको लगातार प्राप्त होता रहे। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका लोहरदगा जिला से वैकेंसी निकाला गया है, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग से निकल कर आई हुई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि DPUMU और BPUMU की स्तर से यहाँ पर बहाली होने वाली है, जो कि अकाउंटेंट्स ऑफ ब्लॉक वास से कोऑर्डिनेटर के यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अकाउंटेंट्स का वैकेंसी है, एक ही पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप BCOM किए हुए हैं, 50% 29 है आपका परसेंटेज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस की बात की है तो कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित विषय में, अकाउंटेंट्स टर्म एड में। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि वर्क ओवर स्पीड हेड से बेसिक MIS स्किल होना चाहिए। और न्यूनतम जो उम्र की बात की है तो 21 साल और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। 20,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का है, 2 पद है, 1 पद आपका जनरल के लिए, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बात की है तो किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट सेक्टर वाटर सैनिटेशन में, हाइजेनिक एडिशनली एक्सपीरियंस यहाँ पर बोल दिया गया, एंड्रॉयड मोबाइल भी आपको चलाने के जानकारी होना चाहिए, डिजिटल टैब विल बी एडवांटेज बोल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की आपको जानकारी होना चाहिए। न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 साल उम्र होना चाहिए। 12,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आवेदन जो है आपको 25/7/2023 से अपराह्न 5 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन भेज सकते हैं। देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थान आवासीय प्रमाण पत्र का सेल्फ अटेस्टेड करके आपको विविध पद में email ID requirement.lohardaga@gmail.com पर आप PDF में करके या फिर स्पीड पोस्ट या फिर आप निबंधित डाक के माध्यम से आपको कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लोहरदगा में आप भेज सकते हैं। भारत के नागरिक कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 वर्ष के लिए यहाँ पर आवेदन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं संतोषजनक अगर आपका रहता है तो यहाँ पर एक्सटेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर कर दिया गया है कि जो लिखित की तिथि होगी परीक्षा की चयनित अभ्यर्थियों के संस्कार के लिए www.lohardaga.nic पर आपको सूचना दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग का यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पर आपको TADN नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग इसका सारा डिटेल देखते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कर दिया गया है। इसी तरह से आपको इसी में आपको भर के भेज देना है या फिर आपको मेल कर देना है PDF बनाकर। देख सकते हैं सारा डिटेल यहां पर क्लियर कर दिया गया है। दोस्तों, यह जो वैकेंसी आप देख सकते हैं बोकारो जिला से निकाला गया वैकेंसी है। यहां पर कथारा उच्च विद्यालय कथारा की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि आपके सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहां पर देख सकते हैं कि पोस्ट है आपका 82/91/16। यहां पर शिक्षक की रिक्वायरमेंट है अंग्रेजी एवं विज्ञान शिक्षकों की यहां पर रिक्वायरमेंट है। देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र प्रतिशत बायो के लिए स्नातक प्रशिक्षित जो उम्मीदवार हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20/7/2023 तक निबंधित डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। उम्र सीमा जो होगा नियमानुसार ही होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको 26/7/2023 को विद्यालय में 11 बजे मूल प्रमाण पत्र के साथ आपको आना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपका रामगढ़ जिला से आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं अंशकालिक सुविधा पर आपका आधार पर आपका यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। बाल वाटिका शिक्षा के लिए है, 2 पदों के लिए है। संस्कार की तिथि 22/7/2023 को रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास है, क्लास 12 की कोवेलेंट आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बोर्ड से 50% आपको मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ देख सकते हैं डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन या फिर आपका ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DCED किए हुए हैं और कम से कम आपका 2 साल का होना चाहिए या फिर आप BEd किए हुए नर्सरी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं यहाँ पर मूल प्रमाण के पत्र के साथ जो कि सिर्फ सत्यापन होगी और आपको मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वर्तमान का पासपोर्ट साइज का आपको फोटो और साथ ही साथ देख सकते हैं कि उपस्थित होना पड़ेगा। संस्कार के लिए आपको TADA नहीं दिया जाएगा। समय यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकरण आपको 8:30 बजे यहाँ से 12 बजे तक होगा। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप सारा डिटेल देख सकते हैं, रामगढ़ कैंट KBC
ac.in पर आप सारा डिटेल इसका देख सकते हैं। ऑनलाइन भी पंजीकरण हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देख। दोस्तों यह जो वैकेंसी आपका केंद्रीय विद्यालय लातेहार की तरफ से यहाँ पर भी बाल वाटिका 3 शिक्षक की नियुक्ति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन बोला गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समय है आपका, यहाँ पर आपका 17/7/2023 को आयोजन किया जा रहा है। पंजीकरण आपका 8 बजे से लेकर 11 बजे तक किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, सारा डिटेल यहाँ पर भी सेम है। अब हम लोग दोस्तों ये जो वैकेंसी आपका केंद्रीय विद्यालय हिंदू प्रथम पाली की तरफ से, जो कि आपका नोएडा रांची में स्थित, यहाँ से वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आयोजन किया जाएगा 20/7/2023 को आयोजन किया जाएगा। इसके विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल देख सकते हैं, hindu.kbc.ac.in पर देख सकते हैं। बालिका टीचर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 20/7/2023 को यहाँ पर 8 बजे यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी आपका जो सीनियर सेकेंडरी क्लास है 12 और इसकी इक्विवेलेंट अगर 50% अंक के साथ आप किए हुए हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप बीएड किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह जो भी वैकेंसी जो है आपका हजारीबाग जिला से निकल कर आई हुई है, यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू के लिए यहाँ पर सूचना दिया जा रहा है। यहाँ भी आपको शिक्षक की आवश्यकता है, सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं। इंटरव्यू आपका 19/7/2023 बुधवार को यहाँ पर 9 बजे आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बाल वाटिका 3 में यहाँ पर पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर तो यह जो वैकेंसी आपका खुट्टी जिला से निकल कर आई हुई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं असैनिक स्थल चिकित्सक समूह के चिकित्सा पदाधिकारी खुट्टी की तरफ से यहाँ पर अटल मोहल्ला क्लिनिक के लिए यहाँ पर जिला स्तर पर पार्ट टाइम चिकित्सक के लिए यहाँ पर आयुष एवं आयुष चिकित्सकों की सेवा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सक का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ही पद है। यहाँ पर 36,400 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा, 1400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 26 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अपराहन तक आपका कार्य दिवस रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए आपको TA/TE नहीं दिया जाएगा। और जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वाल का इंटरव्यू के लिए भाग लेने के लिए अपना फोटो सहित बायोडाटा सभी मूल प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र के सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको समन्वयालय आपका सभागार खुटी में 20/7/2023 को पूर्वाहन 11:30 बजे उपस्थित होना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया गया है वाल के इंटरव्यू के पश्चात आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यह जो वैकेंसी आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑपरेटिव यहाँ पर झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग सेंटर की तरफ से यहाँ पर JAMTTC की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल, यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों झारखंड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट इंजीनियर के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट एक पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर स्किल मल्टीटास्किंग स्टाफ के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एक पोस्ट है सभी में। और क्वालिफिकेशन आपका देख सकते हैं इंजीनियर टेस्ट इंजीनियर का BTEC है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी आपका BTEC है डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए ITI इन डीजल मैकेनिक्स है और आपका मोटर मैकेनिक्स यहाँ पर बोला गया है। इसके लिए आपको स्किल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सबका क्वालिफिकेशन 1 साल बोला गया है, संबंधित विषय में ही रहेगा आपका। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है 1 ईयर, लाइकली आपका कंटिन्यू 5 साल के लिए भी आपका पीरियड बढ़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट आपका लिए टेस्ट इंजीनियर के लिए आपका देख सकते हैं कि 50,000 रुपया यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए 30,000 रुपया, टेक्नीशियन के लिए 15,000 रुपया और आपका स्किल्ड मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 13,280 रुपया यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको 12/7/2023 से डाउनलोड कर या फिर ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/7/2023 के अपराहन पूर्वाहन 11 बजे तक से दिनांक के 31/7/2023 के अपराहन 4 बजे तक आप कार्यालय निदेशक कृषि अभियंत्रण चतुर्तल कमरा नंबर 403 कृषि भवन कांकेर आपका यहाँ पर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र शपथ पत्र
के माध्यम से। दोस्तों यह जो वैकेंसी आपका लास्ट वैकेंसी है जो कि आपका समन्वयालय रांची तरफ से निकल कर आई हुई है, समाज बाल कल्याण शाखा की तरफ से, जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल वर्कर के लिए है, फीमेल के लिए एक पद है। आपका एज 30 से 45 साल, वेतन आपको 18,536 रुपया दिया जाएगा। कि यदि आप ग्रेजुएट किए हुए हैं बीए इन सोशल वर्क सोशोलॉजी आपका सोशल साइंस और से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वेटेज वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर बोला गया है। कंप्यूटर अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, काउंसलर का ये है एक पद है। 30 से 45 साल एज होना चाहिए, 18,536 रुपया दिया जाएगा। ग्रेजुएट अगर आप किए हुए हैं सोशल वर्क सोशोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग से आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर और में भी यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग कम्युनिकेशन में यहाँ पर बोला गया है। एक साल का आपको यहाँ पर गवर्नमेंट या एनजीओ में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर जानकारी होना चाहिए। डाटा एनालिटिक के लिए एक पद है। 30 से 45 साल आपका एज होना चाहिए, 18,536 रुपये यहाँ पर भी दिया जाएगा। ग्रेजुएट इन स्टेटिक्स है, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर बीसीए अगर किए हुए थे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा और यहाँ पर कंप्यूटर जानकारी आपको होनी चाहिए। तीन पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि उम्र की जो गणना की जाएगी आपको 1/8/2022 के अनुसार की जाएगी। आवेदन आप 25/7/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। सारा एक्सपीरियंस टोटल डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता का अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र और जो भी आपके पास योग्यता होगा सत्यापित करके आपको संलग्न करना यहाँ पर अनिवार्य है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और आपको भेजने का जो पता है, कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई रांची समन्वयालय भवन ब्लॉक बी कमरा नंबर 111 पिन कोड आपको 83400 एक आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसी तरह से आपको भर के सारा डिटेल भेज देना है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी।